तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आप किसी की भी स्टोरी देखो इंस्टाग्राम की और उसे पता भी नहीं चले कि आपने उसकी स्टोरी देखी है, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आपने जो इंस्टाग्राम होता है उस पर किसी की भी आप स्टोरी देख सकते हो बिना उसे पता चले, उसको पता भी नहीं चलेगा आपने जो है उसकी स्टोरी देखी है। तो आज की वीडियो आपको बताऊंगा बिल्कुल ही आसानी से और दो तरीके बताऊंगा जिनको यूज करके आप जो है किसी की भी स्टोरी देख सकते हो बिना उसे पता चले। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताऊंगा आप किन दो तरीकों से जो है किसी की भी स्टोरी देख सकते हो बिना उसे पता चले। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो तरीका है वो है इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ ऐप को, और यहाँ पर ओपन होने के बाद जैसे मुझे कोई सी भी स्टोरी देखनी है तो उसके पास में वाली जो भी स्टोरी है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर गुरु रंधावा की जो स्टोरी है उसको मुझे देखना है, तो यहाँ पर मैं कैरी मिनाटी जो है उनकी स्टोरी पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करके रख देना है, और यहाँ पर आपको इसको ऐसे यहाँ पर साइड में इसको जो है ऐसे कर देना है, और आपको क्लिक नहीं छोड़ना है। मतलब आपको मतलब जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको इसको साइड में स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है क्लिक नहीं छोड़ना। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टोरी यहाँ पर जो है शो कर लिया मैंने, मतलब यहाँ पर स्टोरी में क्या डला हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर देख लिया है। देखने के बाद फिर से आपको इसको ऐसे कर देना है। अगर आप इस तरीके से स्टोरी देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला को कि आपने स्टोरी देख ली है। तो पहला तरीका हो गया। अब मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ जिसमें आप फुल स्टोरी भी देख सकते हो, प्रोफाइल भी देख सकते हो, और वहाँ से स्टोरी डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको गूगल में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको यहाँ पर लिखना है इंस्टा डीपी स्टोरी व्यूअर। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, और सर्च करने पर आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ समय का वेट लेगा, यहाँ पर लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज़र नेम का। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़र नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका यूज़र नेम यहाँ पर डाल देना है। मतलब जिसकी भी आप स्टोरी देखना चाहते हो उसको यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना। तो जैसे मैं यहाँ पर मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है rohitvyas999 उसको यहाँ पर आपको मतलब मैं जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ, तो rohitvyas999 मैंने जो है मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी का यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया। अब यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च होगा, लोडिंग होगा, और यहाँ पर कुछ समय का आपको फिर से वेट करना है, और यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है कंटिन्यू, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सिक्योरिटी चेक ले गए, और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद जो है यहाँ पर आपकी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर डीपी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर जो है मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर फॉलोवर दिखा रहा है, और यहाँ पर मेरी जो इंस्टाग्राम की यूज़र नेम मतलब यूज़र नेम वो यहाँ पर आ चुका है rohitvyas999, और मेरी जो आईडी है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और हाईलाइट दिखा रहा है, और जो मैंने आज स्टोरी डाल रखी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर जैसे मैं एक स्टोरी यहाँ पर प्ले करके आपको बताता हूँ, तो जैसे कोई से भी मैं स्टोरी जो है यहाँ पर प्ले करता हूँ, तो जैसे ये वाली स्टोरी इसको मैं यहाँ पर प्ले करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्ले पर क्लिक किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है स्टोरी यहाँ पर प्ले हो चुकी है। और अगर आप चाहते हो इसको डाउनलोड करें तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखता है डाउनलोड का, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर अगर आप डीपी जो है देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फुल साइज पर क्लिक कर देना है, जो कि ऑप्शन आ रहा है। तो फुल साइज पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डीपी होगी मतलब जिस भी अकाउंट को आप यहाँ पर लाओगे उसकी डीपी यहाँ पर फुल साइज में आपको दिखाई देगी, और आप उस डीपी को भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो डीपी है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो इन दो तरीकों का यूज़ करके आप जो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी जो होती है मतलब किसी की भी स्टोरी होती है उसको आप देख सकते हो बिना उसे पता चले। और ये जो सेकंड तरीका है इसमें आपको पर्सनल अकाउंट नहीं चाहिए होगा, मतलब जो सेकंड तरीका मैंने बताया जैसे यहाँ पर आकर स्टोरी देखने का, तो यहाँ पर इसको आपको मतलब जो भी प्राइवेट अकाउंट है उस पर ये लॉगिन नहीं होगा, मतलब उस पर जो है लागू नहीं होगा। आपको इसके लिए जनरल अकाउंट चाहिए होगा, या फिर जो अकाउंट प्राइवेट नहीं हो वो अकाउंट यहाँ पर अगर आप लाओगे यूजर नेम डालोगे तो उसको यहाँ पर देख सकते हो। अनदर आपको प्राइवेट अकाउंट के लिए तो वही जो मैंने तरीका बताया पहला उस तरीके से आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा आप जो इन दोनों तरीकों को यूज करके किसी की भी इंस्टाग्राम की स्टोरी को देख सकते हो बिना उसे पता चले, उसको पता भी नहीं चलेगा आपने स्टोरी देख ली। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।